नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स पंडा बाय आलोक सोती। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पंडा बाय आलोक सोती में एक प्लेलिस्ट है, पूछता है इंडिया। बहुत जगह से, भारत के तमाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से बच्चे सवाल पूछते हैं। सवाल अच्छा होता तो जवाब तो बनता ही है। ये सवाल हमको भेजा है तबस्सुम जी ने, अपने शहर का नाम नहीं लिखा है, और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये सवाल संभवतः जो दिख रहा है वो जनवरी 30, 2023 यानी आईटी मेंस के सेकंड पेपर में पूछा गया है। सवाल अच्छा है, फिजिक्स है इसके पीछे की। और कहाँ भेजना है, एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, 888-7877-1233 पर। देखो बेटा, एज ए फिजिस्ट हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम सबसे अच्छी होती है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी क्षेत्र में या किसी एरिया में, तो एक क्लोज सरफेस जिसको आप गॉसियन सरफेस कहते हैं, उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए उस सरफेस एरिया को। और गॉस साहब ने बताया था कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज हो रहा है इस सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर, उसको एप्सिलॉन से भाग कर दीजिए तो पड़ते आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। ये आपका बेसिक टूल्स है, एकमात्र जिससे आप किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये चूंकि कंडक्टिंग स्फीयर से था, स्फेरिकल से था, स्फेरिकल सेल से अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर है कि साहब ये स्फेरिकल सेल समझते हैं जो अंदर से खोखला हो। अंदर से क्या हो, खोखला हो। आपके पास एक गोला हो, अंदर से खोखला हो, कंडक्टिंग है तो मेटल का ही होगा, जाहिर सी बात है प्लास्टिक का नहीं होगा। अब इसमें दो केस बनते हैं। एक केस ये बनता है जो आपने क्लास में अपने पढ़ा था, सर ने बताया था कि साहब ये कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी कि ये मेटल का होगा, अंदर से खोखला हो। अब वो अगर हम इसको चार्ज देते हैं, मान लीजिए आपने प्लस क्यू चार्ज दिया तो क्या होगा, चार्ज दिया यानी टच कराया। जब टच कराएंगे तो इट इज ए प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रॉपर्टी कि साहब जो आउटर सरफेस होगी यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये मान लीजिए 10 माइक्रो कूलम का चार्ज था तो पूरी आउटर सरफेस पे 10 माइक्रो कूलम का चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके एरिया के हिसाब से। पूरा कंप्लीट होता है, स्फेरिकल है, थ्री डायमेंशन है, तो उसमें पूरी मेटल के ऊपर के सरफेस पे ड्यू टू प्रॉपर्टी। वो भी क्यों होती है अगले पार्ट में बताएंगे। अब आपके पास तीन रीजन आ गए, हालांकि सवाल का हिस्सा नहीं है, इसको बताना जरूरी है क्योंकि एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये एक रीजन ये हो गया अंदर वाला, दूसरा रीजन आपका इनर सरफेस वाला हो गया कि साहब हम इनर सरफेस में, और तीसरा सरफेस आप कह सकते हैं कि यहाँ पे होगा, am I right? तो आपने कहा सर कुछ नहीं करना, हमें गॉस लॉ लगाना है, गॉसियन सरफेस खींचनी है। एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे खींच सकते हैं आप, गॉसियन सरफेस एक इधर वाली और एक आपकी आउटर वाली, am I right? और ये आप लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज है नहीं है, क्यू बराबर जीरो, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। यही सूत्र यहाँ लगा दिए इनर सरफेस के ऊपर, यानी जहां पे चार्ज नहीं है इस सरफेस के इनर पार्ट पे, जिसको हम सेकंड रीजन ले सकते हैं, जीरो हो जाए। हाँ, अगर आप थर्ड रीजन में लेंगे तो वो चार्ज क्यू को इनक्लोज कर रहा है, तो अगर आपको रेडियस मालूम हो तो ये सरफेस एरिया, इस गॉसियन सरफेस का आप निकाल लेंगे, चार्ज आप दे रहे हैं क्यों कर रहा है, तो आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि थर्ड रीजन में आपको नॉन जीरो मिलेगी। कितनी मिलेगी वो भी निकाल सकते हैं क्योंकि चार्ज दिया है, और रेडियस अगर आपको दिया हो वो बहुत पतला सा थिन हो, तो आप बड़े आराम से सरफेस एरिया 4πr² लगा के आप कट से निकाल सकते हैं। आप सेकंड पार्ट क्या बनता है, वही आपका सवाल था। सेकंड पार्ट ये बनता है कि साहब चार्ज जो है वो इस सरफेस में नहीं दिया है,
स्फेरिकल सेल है तो क्या होगा, अंदर ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी होगी यानी खाली स्पेस होगा। किसी विधि से अगर हम यहाँ पे चार्ज को इंडक्ट करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज भी कर सकते हैं कि हमने चार्ज सेंटर पे रख दिया है, किसी चीज से इंडक्ट करा दिया टेक्नोलॉजी, और आपको उसमें दिया था कि देखिए दो जगह चार्ज हो गया, चार्ज आप सरफेस पे दे सकते हैं और चार्ज आप कैविटी में भी दे सकते हैं, क्योंकि स्फेरिकल सेल क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है, इसीलिए हॉलो स्फीयर भी कहते हैं इसको। अंदर से खोखला भी होता है बेटा। आपने यहां की बजाय यहां चार्ज दे दिया, और सवाल था तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इन्होंने कहा कि साहब ये जो आपकी स्फेयर है, स्फेरिकल स्फेयर है, इस पे इस प्रकार का, यानी यहां पे इतने में मेटल है और चार्ज आपने दिया है सेंटर यानी कैविटी के अंदर, आपने चार्ज इंडक्ट करा दिया, ये आपका मेटल है। अब भाई साहब आपके पास यहां भी तीन रीजन थे, ये थे इनर पे था और ये आउटर पे। इसी तरह आपने, इन्होंने कहा एक रीजन ये हो गया अंदर वाला कैविटी वाला खोखला वाला, दूसरा बेटा रीजन यहां कहीं ले लीजिए मेटल सरफेस वाला, और तीसरा रीजन ये हो गया आपका इसके बाहर वाला। अब इन तीनों पे आपको बताना है, क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, यानी जीरो होगी कि नॉन जीरो होगी। अब देखिए यहाँ की फिजिक्स समझ गए थे, जैसे ही आपने इसको चार्ज दिया तो यूनिफॉर्मली आउटर सरफेस पे हो गया, मसला कैविटी का आ गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये चार्ज रुकेगा नहीं, हवा में तो रहेगा नहीं, तो क्या होगा, फौरन एक इंडक्शन प्रोसेस होगी और इंड्यूस इफेक्ट के कारण इतना ही चार्ज कहां पे हो जाएगा, इनर सरफेस ऑफ कैविटी पे हो जाएगा, इतना ही चार्ज, जितना आपने दिया है उतना ही निगेटिव हो गया, एम आई राइट, उतना ही निगेटिव चार्ज कैविटी पे हो गया कि इनर सरफेस पे हो गया। आप देखिए ये किसकी वजह से हुआ, टचिंग तो हुई नहीं है तो क्या हुआ, इंड्यूस हुआ है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, तो यहां तो आपने क्रिएट कर दिया है, तो बाय द नेचर आप देखेंगे इतना ही चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण इस आउटर सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सवाल हो गया। यानी आपने देखिए दो प्रोसेस होती है, दोनों स्फेरिकल है, ये है और ये है, थोड़ा सा मोड सवाल था इसलिए मॉडिफाई कर दिया, कहीं भाई साहब इतनी मोटी सी बना दी गई, बीच में मेटल आ गया, ये मेटल की एक सरफेस है और बीच में गड्ढा है, राइट हिंदी में। तो आप सरफेस पे चार्ज दे सकते हैं कि भाई साहब इस पर टच कराए तो क्या होगा, तो हमने कहा यूनिफॉर्मली आउटर सरफेस पे हो जाएगा, कहीं यहाँ क्या होगा, जब हमने केविटिन डाला कहीं ये सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे भागेंगे, और चूंकि टचिंग नहीं है, हवा में आपने दिया है इसलिए देयर इज नो टचिंग विद दिस सरफेस, तो इंडक्शन होगा, इंड्यूस होगा, जिसकी इंड्यूस में हमेशा अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा तो उतना ही ये निगेटिव हो जाएगा। नहीं साहब अब तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट कर रहा है, क्रिएट हुआ है, तो बाय द नेचर बाय द वर्च्यू बाय द प्रॉपर्टी इतना ही पॉजिटिव चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा, यानी ये खत्म हो गए जो आपने दिए थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। अब देखिए काम तो आपको इसी से करना है क्योंकि दिस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ फिजिक्स। तो भाई साहब आप देखिए क्या देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस रीजन में निकालनी है, तो आपने कहा ठीक है पहले रीजन को हम ये मान लेते हैं, इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमने क्या किया एक गॉसियन सरफेस खींची। अब बेटा देखो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, नहीं, जो आपने दिया था वो तो बेचारा
यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ ये हो गया। तो यानी ईवन रीजन में देयर इज नो चार्ज, इसलिए ईवन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब आइए रीजन टू की बात करते हैं। तो आपने कहा ठीक है, एक गॉसियन सरफेस हमने ये खींच ली, अब आप बड़े इस धर्म संकट में आ गए। कह लगे सर अगर इस गॉसियन सरफेस को देखें तो इसके अंदर जो है इनर में एक चार्ज है, हमको ये बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मेटेलिक सरफेस को पेनेट्रेट कर सकती है। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, एम आई राइट, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, बीच में अगर आप कोई मेटेलिक सरफेस डाल दें, यहां आप लोहे की सीट रख दें, एम आई राइट, कॉपर की सीट रख दें, तो क्या इलेक्ट्रिक लाइन ना फोर्सेस में इतनी दम होती कि इसको पेनिट्रेट कर देगी? नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन ना फोर्सेस इतनी उनके अंदर परमिबिलिटी नहीं होती है कि वो मेटेलिक सरफेस को पेनिट्रेट कर दें। और ये जो मोटा सा आपका सरफेस है ये क्या है आपका, ये पूरा मेटेलिक सरफेस है। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही होंगी, माइनस है तो अंदर की तरफ आ रही होंगी डेटकली, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये पूरा जो है वो एक प्रकार का मेटेलिक होगा, तभी तो कंडक्टिंग कर रहा है, तभी तो ये कंडक्ट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं पेनिट्रेट कर सकती है मेटेलिक सरफेस को। तो आपका दूसरा में भी जीरो हो गया, मसला फंसता है तीसरा रीजन। आपने कहा ठीक है इसके लिए भी एक गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं, मान लीजिए ये आपने एक गॉसियन सरफेस खींच ली। हालांकि गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन होती है कि प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नॉर्मल टू द सरफेस होनी चाहिए। तो कायदे से स्फीयर है तो स्फेरिकल होनी चाहिए, उतना अच्छा बना नहीं पाया, वैसे अगर ऐसी बनाइए तब भी गॉसियन सरफेस होगा। अब बात करते हैं इस गॉसियन सरफेस की। तो आपने कहा कोई बात नहीं भाई, ये E3 रीजन का है तो ये E3 देगा, इसका ये एरिया हो गया जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, एम आई राइट। अब इसमें टोटल चार्ज देखिए, इस पूरी गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना है, इतना पॉजिटिव है इतना निगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है। अरे ये जो आपने प्लस चार्ज दिया था ना बाबू, यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पे इंडक्शन से, और उसके बाद फाइनली जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन की वजह से यहाँ हुआ, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कर नहीं सकता था, पेनिट्रेट नहीं कर सकती थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो वहां पे जीरो थी। यही वजह है कि जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पे रहता है, बीच वाली सरफेस पे नहीं करता कले, एम राइट, यही एक मुख्य कारण है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये बराबर इसके कट के आपका जीरो एप्सिलॉन अपॉन जीरो हो गया, इसका मतलब है कि तीसरे रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो हमारे मुताबिक E1 पे भी जीरो होगी, E2 पे भी जीरो होगी और E3 पे भी जीरो होगी, एम आई राइट।